हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। लीनियर इक्वेशन का ही है। यह है कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। जब हमारे पास कुछ कंडीशन होती हैं लीनियर इक्वेशन में, तो हम कैसे क्या कहते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वो हम इसमें देखेंगे। देखिए, दो इक्वेशन जनरली मैंने किस फॉर्म में ले ली है, आपकी एक्स बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है हमारी लीनियर इक्वेशन, तो वही दोनों हमने इक्वेशन ले ली है। अगर उसमें पहली कंडीशन आती है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, जब भी अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम क्या लेंगे, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। जैसे ये दो इक्वेशन है मान लीजिए, तो ये ए वन हो गया, ये ए टू हो गया, और ये बी वन और ये बी टू, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, तो उसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अभी हम इसको क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे होगा। अगर बोलता है वो क्वेश्चन के ये जो इक्वेशन है वो है इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ठीक है, ये इक्वेशन है इन्फाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए। अगर वो कहता है कि हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए आपका क्या होगा, ए वन अपॉन ए टू। अगर वो कहता है इसको प्रूव करिए, तो आपको ये कंडीशंस भी लगानी पड़ेंगी, तो उसके लिए क्या होता है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ये आपकी तीन कंडीशन है जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के काम आती है। जैसे यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये वाली अप्लाई करेंगे, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो ये वाली, और नो सॉल्यूशन होगा तो ये वाली। अब देखिए, इसके नीचे इक्वेशन लिखा है मैंने, शो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। जब भी हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें क्या है, इनका कंडीशन को देखना पड़ेगा कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो आइए पहले चेक करते हैं हम इसको। तो पहले हम सबसे पहले इसको इसकी फॉर्म में लिख लें, ए एक्स वन प्लस बी वन एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी, सॉरी यहां पे मैंने वाई, ठीक है। तो देखो, टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस सेवनटीन इक्वल्स टू जीरो, और क्या लिखेंगे हम इसको, फाइव एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल माइनस फोर्टीन इक्वल्स टू जीरो। तो ए वन क्या हो गया मेरा, अभी मैं प्रॉपर्टी लगा रही हूं, ए वन ए टू बराबर नहीं होना चाहिए हमारा, तभी ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ए कितना हो गया हमारा, ए वन टू, और बी ए टू क्या हो गया, फाइव इक्वल्स टू बी वन कितना हो गया, फाइव, और बी टू कितना हो गया, थ्री। तो क्या ये बराबर आ रहे हैं, नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो आप यहां लिख दोगे, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो अभी हमने सिर्फ उसने बोला कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपको बताना है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो आप किसी भी तीनों मेथड में से इसको मतलब जो मैंने आपको सिखाया है, क्या कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्सिट्यूशन, वो उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं देखिए, आइए एलिमिनेशन से सॉल्व करती हूँ, क्योंकि जब कहीं लिखा ना हो तो एलिमिनेशन बहुत ईजी पड़ता है, हम उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन है मेरे पास, मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगी x को ठीक करने के लिए, और इसमें 2 का, तो क्या हो गया, 10x प्लस 25y, 17 5 से कितना होता है, 85। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे 3y था, मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ 3y आ गया, 25 यहाँ पे 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस करके 19, और 19 इक्वल्स टू 57, तो 19 यहाँ आ गया, माइनस ऊपर चला गया, तो 3 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3।
ठीक है। और क्या हो गया, अब देखिए क्या कहते हैं, अब इसको हम x में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, आप किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू माइनस 3 इक्वल्स टू 17, तो 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 17, ये इधर गया 2 हो जाएगा, तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3, आपके x की वैल्यू 1 आ गई। आई होप आपको ये समझ आया हो। इसका एक क्वेश्चन और आपको बताती हूँ, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो देखिए हमने इसमें क्या करा, सबसे पहले हमने 5 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, ताकि हम उसको सेम ला सके x और y को। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10x 10x 25y 6 आ गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत इक्वेशन उतार ली थी। फिर उसके बाद 85 और 28 आया। फिर देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ये तो कट गया, साइन बड़े वाले का रखते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 19 आएगा। अगर मैंने यहाँ पे पहले 13 लिया था तो फिर 26 बड़ा हो गया था, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ का माइनस साइन लिया था, तो उसको मैंने फिर करेक्शन किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एक्स और वाई की वैल्यू निकालना तो आता ही होगा। तो चलिए अब इसका सेकेंड क्वेश्चन और करते हैं। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। हमें के की वैल्यू निकालनी है और बोला है कि ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको इनफाइनाइट लगाकर देखना पड़ेगा। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। तो पहले हमें इसको इधर ही लाना पड़ेगा। बहुत बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्या हम इसको यहीं पर नहीं रहकर कर सकते हैं, नहीं, आपको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ए एक्स ए प्लस वन बी वन प्लस वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। तो आपको इस फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, देखो टू अपॉन के प्लस वन और 3 अपॉन 2k माइनस 1। अब मैं इधर लाऊंगी दोनों, इधर पॉजिटिव के, तो इधर लाने के बाद मेरा क्या हो जाएंगे, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। अभी ये ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि अंदर के साइन चेंज होते हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक को दूसरे से कंपैरिजन कर देंगे, 1 और 3 को, या पहले दो को ही ले सकते हैं आप, तो पहले दो को ले लो और फिर ए इसको ले लो। तो इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ पहले, तो ये क्या हो गया माइनस 7 माइनस 4k, और या तो माइनस से माइनस काट दो सबसे अच्छा, तो 4k प्लस 1 बचा, और 2 अपॉन k प्लस 1 और 3 अपॉन 2k प्लस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले इन दोनों से वैल्यू निकालेंगे फिर इन दो से, तो लेते हैं पहले इसको, पहले इन दोनों से और फिर इन दोनों से। तो चलिए देखिए क्रॉस क्रिस क्रॉस करते हैं, तो 2 इंटू 2 के प्लस माइनस 1 और 3 के प्लस 1, तो देखो 4 के माइनस 2 इक्वल्स टू 3 के माइनस प्लस 3। के वालों को उधर ले आऊं, 4 के माइनस 3 के और 3 प्लस 2, तो ये कितना बचा, के इक्वल्स टू 5, तो के की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इससे और निकालते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 4k प्लस 1, क्रिस क्रॉस कर दीजिए, 7 2k माइनस 1, ठीक है, तो 12k प्लस 3 14k माइनस 7। k वालों को एक साथ ले आती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ, इसको इधर ले आती हूँ, 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 14k माइनस 12k बचा 2k, और ये कितना हो गया 10, तो कितना आ गया 10 अपॉन 2 करोगे 5, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5, तो k की वैल्यू 5 निकल आई, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कौन सी इक्वेशन वो सिचुएशन लगाई थी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन।
सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, के की वैल्यू में तो डरना ही नहीं है, उसने जो भी आपको बोल रहा हो क्वेश्चन में कि कौन सी सिचुएशन लगानी है, आपको कौन सी कंडीशन लगानी है, तो आप उसका फॉर्मूला लेके फिर वैल्यू निकालिए और फिर उनको कंपैरिजन करके केक की वैल्यू निकाल दीजिए। तो मैंने इसमें दो टाइप के आपको क्वेश्चन समझा दिए, तो आई होप आपको ये समझ आए हो। तो प्लीज अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।